बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब के भाई के एक बड़ा सानहा हुआ है, उनके घर में हुआ है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे कयास आ रही है, कोई सही भी हो रही है कोई गलत भी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। किसी का भी कोई काम नहीं, किसी की खानदानी में तुम्हें कोई भी इंटरफेयर करे, हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी आगे यार कोई अपना जिम्मेदार खुद दे। दूसरा सामाजिक शख्सियत हाजी साहब शेरम साहब की बहुत सारी खदमात हैं, वो अनगिनत हैं। वो चाहे कोविड हो, चाहे इंसानियत के लिए हो, चाहे कोई भी काम हो, ट्रांसफर चलते बड़े खदमात हैं हाजी साहब के। हाजी साहब को ऐसे सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरा ये दूसरी ये बात कि हम एक तो कबायली इलाके में रहते हैं, हमारा ये समझे जकाबादी बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर में है। बहुत सारे बड़ी शख्सियात हैं, बहुत सारे सरदार साहबान हैं, उनको बीच में आके इस मसले का हल एक निकालना, अफहाम और तफहीम से हल निकालना चाहिए। दूसरा ये है कि इससे करने से शायद हो सकता है हमारा पुरमन माहौल है जकाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी खैर खैर से अफहाम और तफहीम चले, सियासत तो अपनी होती रहती है, लेकिन ये मसला हो सकता है, हमें खदशा है कि आगे कोई लैंड आउट का मसला पैदा है। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पूरे सरदार साहबान से, सरदार मबूद खान पावर साहब हैं या और बड़े शख्सियत हैं, उनको बीच में आके बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि बैठ के पुरमन हल निकलना चाहिए। पहले से वो खानदान गमजदा है, उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज ना किया गया। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा ना करें तो मेरी बेहतर रहेगा। आगे हो सकता है ऐसा कोई लैंड का मसला आ जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए, इस मसले का ज़रूर कोई ना कोई बैठ के हल निकालना चाहिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पूरे सदा में, मैं फिर भी यही अगेन यही कहूँ।